सब के लिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ जी का आगमन हो चुका है। ये वो महान सपूत जो जिनके आने के बाद मैं एक लाइन कहूंगा, उस लाइन के बाद से आप समझ जाएंगे। एक समय एक वो दौर था जब दुश्मन आग दिखाते थे, एक वो दौर था जब दुश्मन आग दिखाते थे। यह नया भारत है जहां दुश्मन आज मिलने से कतराते हैं। ऐसे हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी के हम सभी का सानिध्य हमको मिल रहा है। मैं माननीय राजनाथ सिंह जी के स्वागत के लिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री अरुण साहु जी से निवेदन करूंगा कि वो माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन स्वागत करेगा। हमारे बीच में हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर अमन सिंह जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी माननीय राजनाथ सिंह जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करेंगे। मैं हमारे राजनाथ सिंह जी के स्वागत के लिए मोहन मंडल की स्वागत करूंगा कि वो भी स्वागत करें। और अब मैं हमारे श्री अरुण साहु जी, सांसद माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, श्री संतोष पांडे जी और श्री विक्रम मुसेंडी जी, श्री मोहन मंडावी जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे बस्तर की इस परंपरा गौर सिंह से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। कैमरा पीछे कर, हमारे बस्तर की इस परंपरा के साथ में हमारे लोक संस्कृति की झलक हमारे गौर सिंह के माध्यम से उनका अभिनंदन स्वागत। माननीय महावीर सिंह राठौर, उनसे भी निवेदन कि वो माननीय राजनाथ सिंह जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। अब हमारे चारों जिलाध्यक्ष सतीश लाठिया जी, कृष्णकांत पवार जी, दीपेश अरोरा जी, शशि पवार जी सहित हमारे मंच पे जितने हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, उनसे आप निवेदन कि वो जयमाला के साथ में हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करें। आप सभी से आग्रह, जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। सभी हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी माननीय राजनाथ जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन स्वागत। आप सभी से आग्रह, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। थोड़ा ताली बजाकर के स्वागत करिएगा। इसके पश्चात मैं कांकेर जिलाध्यक्ष एवं कोंडागांव जिलाध्यक्ष उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर अमर सिंह जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। इसके पश्चात हमारे धमतरी जिलाध्यक्ष एवं बालोद जिलाध्यक्ष उनसे भी निवेदन कि वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अरुण साहु जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। जल्दी भिजवाना ग्रुप वाला, ये अंगा जल्दी भिजवाना। अरे बाकी लोग के स्वागत का क्या मतलब, अपने को हो गया ना। भारत माता की, बाकी लोग के स्वागत का, भारत माता की। आज के इस मंच सभा को हम सभी को आज के इस सभा को संबोधित करने के लिए, स्वागत भाषण के लिए हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष और बिलासपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री अरुण साहु जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और आज के इस मैच सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। भाई खेती बल वाले मन से आवाज नहीं आते, जरा जोरदार
देश के रक्षा मंत्री जी के आगमन हो है, कांकेर के ये धरती पर जरा गगन भेद नारा हो जाए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, गणतंत्रेश्वरी मैया की, गणतंत्रेश्वरी मैया की। आज सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, 7 करोड़ के बजट को बढ़ा के 1 लाख करोड़ बजट किया, किसानों के धान खरीदी की पूरी व्यवस्था 5 लाख मेट्रिक टन से बढ़ा के 70 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी की व्यवस्था की, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पंचायत में 50% का आरक्षण का योजना क्रियान्वयन हमने लागू किया। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बालिकाओं को स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा छत्तीसगढ़ ने देना प्रारंभ किया। आज रोजगार के लिए युवा भटक रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 1,20,000 शिक्षा कर्मियों की भर्ती का काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। 70,000 पुलिस कर्मियों के भर्ती का काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। पीएससी के माध्यम से 10,000 नागरिकों का शासकीय नौकरी में भर्ती का काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। 2 मेडिकल कॉलेज से 11 मेडिकल कॉलेज, 12 इंजीनियरिंग कॉलेज से 72 इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स का स्थापना, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT भिलाई, IIIT की सौगात छत्तीसगढ़ को दिया और उसके साथ ही साथ सड़कों का जाल बिछाने का काम, छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल बिछाने का काम आप ख्याल करिए, कांकेर निवासी 2003 में सड़कों का क्या हालत था, गांव-गांव में सड़कों के जोड़ने का काम, पूरे छत्तीसगढ़ में 30,000 किलोमीटर सड़क के निर्माण का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उस व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी ने चारामल से हारडूला से भानु प्रतापपुर जोड़ने वाला पुल का निर्माण किया, कांकेर अमोरा नरसिंहपुर ऋषि गांव तक जलाशय में पुल का निर्माण किया गया, 132 kV और 133/11 के पावर स्टेशन बना के विद्युत की व्यवस्था करने का काम किया। उसके साथ ही साथ काकेश्वर कांकेर मार्ग में चिनार नदी पे पुल का निर्माण, 23 गांव को सुविधा लाभ मिला। भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार ने कांकेर जिले में 136 करोड़ की लागत से 48 किलोमीटर जिला मार्ग का चौड़ीकरण कराया, 264 करोड़ की लागत से 1,647 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया। एक तरफ विकास के काम, डेवलपमेंट के काम छत्तीसगढ़ में हुआ, मगर 4.5 साल से जब से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने हैं चारों तरफ घोटाला ही घोटाला है, जुआ, सट्टा, अवैध शराब, हत्या, बलात्कार की घटनाएं छत्तीसगढ़ में आम हो गई है। अब तो ये हो गया है शराब की दुकान में सरकार के इशारे से 30% शराब अवैध रूप से बेचने का काम ईडी और सीडी की सरकार हो गई है। 2,000 करोड़ के घोटाले को ईडी ने भूपेश बघेल के खिलाफ मामला न्यायालय में दर्ज किया है। 25 रुपया टन कोयले की दलाली, चावल के में 600 करोड़ का। कांकेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लंबे समय तक 15 वर्षों तक लगातार जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा की है, सरल और सहज स्वभाव के डॉक्टर रमन सिंह जी और हमारे बहुत ही तेज तर्रार जिनका भाषण भी आपने अभी भी सुना है,
ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण जी शाह, श्री शिव रतन जी शर्मा प्रदेश संयोजक विशेष जनसंपर्क अभियान, श्री संतोष जी पांडे संभाग प्रभारी, और आपके लोकप्रिय सांसद। और मैं पहले भाइयों मैं बताना चाहता हूं कि आपके सांसद जब भी भारत की संसद में बोलते हैं तो अपना बिल्कुल 56 इंच का सीना चौड़ा करके आपका सांसद बोलता है, ऐसे सांसद श्री मोहन मांडरे, श्री पांडे संभाग प्रभारी, और आपके लोकप्रिय सांसद। और मैंने पहले भाइयों मैं बताना चाहता हूं कि आपके सांसद जब भी भारत की संसद में बोलते हैं तो अपना बिल्कुल 56 इंच का सीना चौड़ा करके आपका सांसद बोलता है, ऐसे सांसद श्री मोहन मांडवी, श्री विक्रम चंडे पूर्व सांसद, श्री केदार कश्यप जी हमारे प्रदेश के महामंत्री, बहुत ही लंबे समय से जब मैं काम कर रहा था उस समय भी इन्होंने बहुत ही अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, श्री देवीलाल जी दुग्गा पूर्व विधायक, श्री भोजराज जी नाग पूर्व विधायक, श्री सतीश जी लाडिया जिलाध्यक्ष कांकेर, श्री दिनेश कश्यप पूर्व सांसद, श्री शशि पवार जी जिलाध्यक्ष धंगरी, श्री दिनेश अरोड़ा जिलाध्यक्ष कोंडागांव, श्री कृष्णकांत पवार जी जिलाध्यक्ष बारो, और श्री यशवंत जैन जिला प्रभारी कांवे। और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित भाइयों एवं भाइयों, सबसे पहले मैं कांकेर बस्तर की माटी से आप सब मन के जोहार कर इसे मां दंतेश्वरी के सादर प्रणाम कर इसे ये माटी वीर गुंडाधूर वीर गेजराज महाराजा प्रवीर भंजदेव जतुदादा और धर्मुदादा सबके नमन कर इसे उन सब बलदानी बन के सूरता करे से। मेरे बहनों भाइयों, लंबे अरसे के बाद कांकेर में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। इसके पहले 2 बार मैं कांकेर में सभाओं को संबोधित कर चुका, बहुत देर में आया, लेकिन आप सबका आशीर्वाद है कि पूरी तरह से दुरुस्त आप सब लोगों के बीच में आया। देर से आने के बावजूद आप लोगों ने तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया है, फूलों की हार पहनाकर आपने स्वागत किया है, यह प्रतीक चिन्ह लेकर आपने स्वागत किया है, लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकादा भी है कि स्वागत अभिनंदन अथवा राम राम या जोहार या सलाम दुआ कभी एक तथा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, माता दंतेश्वरी की पवित्र भूमि कांकेर की धरती को मैं एक बार पुनः शीश झुकाकर नमन करता हूं। जिला कांकेर समेत पूरे बस्तर का यह इलाका प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधन की दृष्टि से पूरे भारत में जाना और माना जाता है। बस्तर का यह पूरा क्षेत्र मैं अच्छी तरह जानता हूं, केरल का जो राज्य है इस देश का उससे भी कहीं बड़ा है। और मुझे याद है जब मैं पहली बार छत्तीसगढ़ आया था, मुझे राज्य ने मुझे केंद्र ने यहां का प्रभारी बनाकर भेजा था, नया नया राज्य बना था, मगर कांग्रेस के कुशासन से उस समय छत्तीसगढ़ की जनता जूझ रही थी। कांग्रेस की हुकूमत थी, भ्रष्टाचार था, जुल्म था, अत्याचार था, लोग त्रस्त थे, यानी कांग्रेस के उस समय नेताओं के खिलाफ बोलने की लोग हिम्मत नहीं करते, ऐसी हालत उस समय थी। हमने 2003 के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन करा के यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर डॉक्टर रमन सिंह जी को छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने बागडोर सौंपी। उन्होंने 15 वर्षों में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई कह सकता है कि डॉक्टर रमन सिंह ने अच्छा काम किया, खराब काम किया, अधिक काम किया, कम काम किया, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि छत्तीसगढ़ का कायाकल्प
मुख्यमंत्री के रूप में किसी ने किया है तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है। बैनवा उन्होंने केवल नया रायपुर ही नहीं बनाया बल्कि एक नया बस्तर भी बनाया और एक नया छत्तीसगढ़ भी डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाया। यह सब कुछ तब हुआ जब 15 में से केवल 5 साल ही भाजपा की सरकार केंद्र में थी, यानी डबल इंजन की का जो पावर मिलना चाहिए वह लगातार 15 वर्षों तक इनको नहीं मिला, केवल 5 वर्षों तक मिला था। इसके बावजूद उन्होंने छत्तीसगढ़ को बढ़ाया, उन्होंने छत्तीसगढ़ को सजाया, उन्होंने छत्तीसगढ़ को संवारा और देश का एक प्रगतिशील राज्य बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो आपके डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। मगर 2018 के विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने जनादेश देकर सरकार बदल दी, क्योंकि आप लोगों ने उस समय कांग्रेस की कुछ गारंटियों पर भरोसा कर लिया। कांग्रेस के लोगों ने यह गारंटी दी कि हम आएंगे यह कर देंगे वह कर देंगे। आपको लगता था कि नई सरकार बनेगी और अधिक तेजी से काम हुआ, लेकिन आप जानते हैं नतीजा ठीक उसका उल्टा हुआ। मेरे बहनों भाइयों, आपने सोचा था कि प्रदेश सरकार बदलकर हम एक बार नई सरकार का भी स्वाद चख लें, इस चक्कर में आपने डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को बदल दिया। लेकिन स्वाद इस सरकार का कैसा है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसका अनुभव आप स्वयं कर रहे हैं। और जिस तरीके से रमन सिंह जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार मेरे बहनों भाइयों छत्तीसगढ़ को आगे ले जा रही थी, कांग्रेस में इस समय के जो मुख्यमंत्री हैं बघेल जी, उनकी क्या हालत है? उन्होंने एकदम बिल्कुल प्रदेश की दिशा ही बदल दी। कहां यह हमारा छत्तीसगढ़ सारे हिंदुस्तान के लोगों की नजरों में आगे बढ़ रहा था, उसकी दिशा को ही बदल दिया। जबकि केंद्र की मोदी जी सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ यहां कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कोई सौतेलापन नहीं किया। उन्होंने कहा भले ही किसी पार्टी की सरकार हो लेकिन केंद्र के द्वारा हमें वहां की जनता की चिंता करनी है, इसलिए जो भी मदद करनी होगी हम दिल खोल कर मदद करेंगे। और छत्तीसगढ़ की हमारे प्रधानमंत्री ने मदद की। मेरे बहनों भाई, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं छत्तीसगढ़ बनाने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ बनाने के पीछे हमारे उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी की एक ही मंशा थी कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं, आदिवासी भाइयों को जो सैकड़ों साल से विकास की यात्रा में पीछे रह गए हैं उन्हें भी किसी सूरत में हम आगे ले आए। इसीलिए झारखंड भी अलग राज्य बनाया उन्होंने और छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाया। बहनों भाइयों, केवल हमारे आदिवासी भाई आगे आए यह उनकी मंशा थी, इसी कारण अटल जी ने यह काम किया था। और अटल जी की इसी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आदिवासी समाज की बहुतायत संख्या वाले दो राज्य और छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया था। और आपको जानकर खुशी होगी लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस ने हुकूमत किया है मेरे बहन भाइयों, लेकिन कभी भी आदिवासियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए अलग से राज्य नहीं बनाया। भारत के इतिहास में पहली बार किसी की सरकार ने अलग से आदिवासियों के कल्याण के लिए और आदिवासियों के विकास के लिए। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। जबलपुर से बड़ी खबर आ रही है। जबलपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय वायुसेना के विमान से डुमना एयरपोर्ट पहुंचे हैं पीएम मोदी। तेज बारिश के बीच विमान की लैंडिंग। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जबलपुर से, जहां पीएम मोदी जबलपुर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें भारतीय वायुसेना के विमान से डुमना एयरपोर्ट पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। तेज बारिश के बीच उनका विमान लैंड हुआ है। आपको बड़ी खबर जबलपुर से बता रहे हैं इस वक्त, जहां आज पीएम मोदी का मध्य प्रदेश में दौरा है। वहीं अभी जबलपुर पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें भारतीय वायुसेना के विमान से डुमना एयरपोर्ट पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। तेज बारिश के बीच उनका विमान लैंड हुआ है। आपको बड़ी खबर जबलपुर से बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी जबलपुर पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांकेर पहुंचे और वहां जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अब हर आदिवासी परिवार, हर गरीब परिवार के घर में शौचालय बनेगा, ताकि नित्य क्रिया के लिए माताओं बहनों को बाहर न जाना पड़े। माने गरीब माताओं बहनों की इज्जत की चिंता की तो हमारे प्रधानमंत्री ने। मुफ्त इलाज होना चाहिए, आयुष्मान भारत योजना, यानी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इस बात की चिंता की तो मेरे बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता की। घर, पक्का घर सबके पास होना चाहिए। लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ सरकार को जो अपना शेयर देना था, वो छत्तीसगढ़ की सरकार शेयर नहीं दे रही है। नहीं तो जैसा मोदी जी चाहते थे, अब तक सारे आदिवासी परिवारों को, गरीब परिवारों को पक्का मकान मिल गया होता बहनों भाइयों। लेकिन केवल यहाँ की छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार के कारण यह हम लक्ष्य को पूरा नहीं कर। और यह बात मैं केवल मैं ही नहीं कर, आज जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं सिंहदेव साहब ने एक बार पत्र लिखकर इस संबंध में नाराजगी जाहिर की, जहां तक मेरी जानकारी है। अरे बहनों भाइयों, मोदी सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं में आदिवासी आबादी के जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है। साथियों, मैं आज आपके कांकेर के ही लाल अजय मांडवी से मिलकर आया। अजय मांडवी का नाम सुना होगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अजय मांडवी ने कास्ट शिल्प कला, गोंड ट्राइबल कला का